दो चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, तीसरे चरण के मतदान को अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक रायबरेली और अमेठी के लिए अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। पहले चर्चा ये थी कि वायनाड सीट पर मतदान होते ही कांग्रेस अमेठी के लिए राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर देगी, क्योंकि वायनाड में मतदान पर जनता को गलत मैसेज ना जाए इसलिए राहुल गांधी के नाम की घोषणा नहीं की जा रही थी। लेकिन मतदान खत्म होने के बावजूद लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में अभी भी असमंजस की स्थिति कैसे बनी हुई है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अभी तक नाम जो है वो यहां पर अनाउंस नहीं हुए। रायबरेली और अमेठी सीट पर सस्पेंस इस वक्त बरकरार है। पहले कहा गया था कि सीईसी के बैठक में राहुल और प्रियंका के चेहरे पर मुहर लग जाएगी, लेकिन फिर खेल हुआ और गेंद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में चली गई। खड़गे तो सबसे ज्यादा सस्पेंस बनाकर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि नामांकन की तारीख से पहले सभी को पता चल जाएगा, और क्या कह रहे सुनिए। वायनाड में वहां पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे वो गए, जनता कहां पूछती है वहां लीडर जाते रहता है। थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। लेकिन जानकार अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस चार चुनौतियों की वजह से अभी तक अमेठी रायबरेली पर कोई फैसला नहीं ले पाई। रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, यहां पर गांधी परिवार का वर्चस्व पिछले कई सालों से बना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के उदय के साथ ही रायबरेली में कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती चली गई। वोट शेयर के मामले में देश की सबसे पुरानी पार्टी अब रायबरेली में कमजोर होती हुई दिख रही है। आंकड़े इस बात की पूरी तरह से गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों के जरिए अगर हम आपको समझाएं तो साल 2009 में जब यूपीए की दूसरी बार सरकार बनी थी तब रायबरेली में सोनिया गांधी को 72.20% वोट मिले थे, 72.2%। उस वक्त भाजपा का वोट शेयर मात्र 3.8% था। साल 2014 में जब मोदी लहर ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए तब रायबरेली में कांग्रेस का वोट शेयर कम हुआ। वोट शेयर 72.2% से गिरकर 63.8% हो गया। बीजेपी का वोट प्रतिशत 21.1 हो गया। साल 2019 में रायबरेली में कांग्रेस और कमजोर हो गई। सोनिया गांधी ने किसी तरह से अपनी सीट बचा ली, लेकिन उनका वोट शेयर सिर्फ 55.8% रह गया। बीजेपी का वोट प्रतिशत 38.40 तक पहुंच गया, यानी कि बढ़ गया। 10 साल में रायबरेली में कांग्रेस का 16% वोट शेयर कम हुआ है। बीजेपी ने 35% 35% की बंपर बढ़त हासिल की। अमेठी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस की जमीन समय के साथ कमजोर होती चली गई। रायबरेली की तरह यह सीट भी कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी गई। लेकिन साल 2019 में जो खेल हुआ था उसने बता दिया कि गांधी परिवार के एक और घर में बड़ी सेंधमारी हो चुकी है। आंकड़ों में आपको समझा देते हैं, साल 2009 में राहुल गांधी दूसरी बार अमेठी से जीत चुके थे, उनका वोट प्रतिशत तब 71.8% था। उस वक्त भाजपा अमेठी में एक छोटी और कमजोर पार्टी थी, उसका वोट प्रतिशत मात्र 5.8% था। लेकिन फिर ठीक 5 साल बाद स्थिति पूरी तरह से पलट गई। साल 2014 में राहुल गांधी के वोट शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, उनका वोट प्रतिशत 46.7% पर जा पहुंचा, बीजेपी का बढ़कर 34.4 हो गया। अब वो परिवर्तन सिर्फ छोटे स्तर पर था, इसी वजह से राहुल गांधी ने अपनी सीट बचा ली। लेकिन 5 साल बाद यानी कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उस कसर को भी दूर कर दिया। स्मृति ईरानी ने सबसे बड़ा खेल करते हुए राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 49.7% हो गया, राहुल गांधी का गिरकर 45.9% पर आ गया। ऐसे में 10 साल के अंदर में अमेठी में कांग्रेस ने 28% वोट शेयर खो दिया और बीजेपी ने 44% अतिरिक्त हासिल किया। जब भी अमेठी और रायबरेली की बात आती है कांग्रेस एक परिवार वाला कनेक्शन ढूंढकर निकाल लेती है,
उसका दावा रहता है कि गांधी परिवार ने दोनों क्षेत्रों के लिए काफी काम किया। विकास के जितने भी बड़े काम हुए उसमें उनके परिवार की एक अहम भूमिका रही। लेकिन जब से बीजेपी ने अमेठी में खेल किया, अब स्मृति ईरानी भी उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। एक तरफ स्मृति खुद को अमेठी की बेटी बताती हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पर अपने ही परिवार को धोखा देने का आरोप भी लगा देती है। असल में राहुल गांधी ने ही 2014 के चुनाव में कहा था कि अमेठी उनका एक परिवार है, उनका उस क्षेत्र के साथ सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है बल्कि परिवार वाला रिश्ता है। अब इसी वजह से जब 2019 में चुनावी हार के बाद राहुल अमेठी वापस नहीं लौटे तो स्मृति ईरानी ने तंज करते हुए कह दिया कि राहुल ने तो अपने परिवार को ही धोखा दे दिया, उन्होंने अपना परिवार बदल दिया। यानी कि जिस कनेक्शन के दम पर कांग्रेस कई सालों तक अमेठी और रायबरेली पर राज करती रही, अब बीजेपी भी इसी निजी कनेक्शन वाली रणनीति के तहत कांग्रेस को उसी की पिच पर हराने की तैयारी कर रही है। ये सच्चाई है कि समय के साथ यूपी में कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। दो दशक से भी ज्यादा लंबे वक्त तक यूपी की राजनीति में सक्रिय रहने वाली कांग्रेस अब यहां पर काफी कमजोर हो गई। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 18.5% वोट मिले। लोकसभा चुनाव में वो 21 सीटें जीतने में कामयाब हुई। उस बड़ी सफलता के लिए युवा चेहरे राहुल गांधी को सारा क्रेडिट दिया गया। लेकिन 2014 में वो हवा, वो ताकत गायब हो गई और बीजेपी ने सबसे बड़ी सेंध मारी की। इसीलिए कांग्रेस अपने घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस अपनी पुरानी रणनीति पर काम कर रही हो, क्या पता। कांग्रेस अमेठी में 1981 दोहराने जा रही है। टिकट घोषित होने के दिन ही राजीव गांधी ने पर्चा भरा था। अब तक राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के सिर्फ दावे, जबकि कांग्रेस के मुकाबले खड़ी बीजेपी किसी असमंजस में नहीं है। इस बार गांधी परिवार की दोनों सीटों का कंफ्यूजन कब दूर होगा ये जानने के लिए शायद नामांकन तक इंतजार करना पड़े।